जय नरहरि, जय अजमेर देवजी महाराज, जय श्री राम। मैं दिनेश येवले, संचालक स्वर्णकार समाज मंच, संस्थापक स्वर्णकार समाज वर वधु मंच नागपुर से आज की नई श्रृंखला में देश के सभी स्वर्णकार समाज के आदरणीय समाज बंधु एवं हमारे सभी चाहने वालों को तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और शुरू करते हैं आज की श्रृंखला के बायोडाटा का परिचय। उससे पहले देश के सभी स्वर्णकार समाज के बंधुओं को निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को अभी और आज ही सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके प्यार और आशीर्वाद से ही आज बहुत ही कम दिनों में हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं और 20,000 के ऊपर समाज बंधुओं ने हमारा यह चैनल देखा है। इसकी जानकारी समाज के अनेकों लोग बड़े ही आनंद से देखते हैं। जल्दी ही हम स्वर्णकार समाज मंच चैनल के माध्यम से देश के विवाह योग्य सोनार समाज के युवक युवतियों को इस माध्यम से जोड़कर लाइव परिचय सम्मेलन और आपकी समस्याओं को इस माध्यम से अवगत कर सभी को विवाह के लिए एक मंच निर्माण करके देश विदेश या अन्य राज्यों में जहां भी सोनी स्वर्णकार सोनार रहते हो और उनके बच्चे हैं, वह चाहे उच्च शिक्षित हो, निरक्षर हो, व्यावसायिक नौकरी करने वाले या खेती किसानी करने वाले, अन्य कोई भी क्षेत्र में कार्य करने वाले हो, उनके लिए यह हमारे माध्यम से एक प्लेटफॉर्म तैयार करके दे रहे हैं। यह कार्य हम मराठी और हिंदी भाषा में करते हैं। हमारा चैनल अभी तक 20,000 के ऊपर समाज के लोगों ने देखा है। एक महीने में यह सब हुआ है। यह सफलता मेरे प्यारे समाज बंधुओं, ये मेरी नहीं है तो आपकी है, जो आप हमारे चैनल को पसंद करते हो और हजारों समाज तक लिंक को शेयर करते हो, समाज को जोड़ने में मदद करते हो। हमारी श्रृंखला में बहुत से पार्ट मराठी में बने हैं। आप चाहे मराठी हो तो देख सकते हो और कुछ पार्ट हिंदी में। हिंदी में इसलिए करते हैं कि हमारे साथ हिंदी भाषी सोनार भी अन्य राज्यों से संपूर्ण देश से जुड़े हैं। आज मैं आपको जो सोनार कन्या का परिचय बताने वाला हूँ वह हैदराबाद की है और उनके लिए इनका जीवन साथी हिंदुस्तान के कोई भी राज्य का, लेकिन वह सिर्फ स्वर्णकार चाहिए, इसलिए आज का पार्ट मैं हिंदी में बना रहा हूं। हमारी संपूर्ण सेवा निशुल्क है। हमारी संस्था विवाह जोड़ने वाली संस्था नहीं है। हमारे माध्यम से शादी जोड़नियों का कार्य नहीं करते हैं या किसी लड़की और लड़के की सिफारिश बिल्कुल नहीं करते। हम आपके द्वारा प्राप्त बायोडाटा एडिट करके ग्रुप में प्रसारित करते हैं और वह YouTube के माध्यम से भी आपको और देश का कोई भी स्वर्णकार हो उनकी जानकारी प्रसारित करते हैं। आप हमारे द्वारा निर्मित स्वर्णकार समाज वर वधु मंच के WhatsApp पर निशुल्क सम्मिलित हो सकते हो, जिस पर रोज बच्चों के बायोडाटा हम प्रसारित करते हैं। आप हमारे ग्रुप में शामिल होकर निशुल्क बायोडाटा देख सकते हैं। हमारी संपूर्ण सेवा निशुल्क है। हमारा कार्य समाज सेवा ही ईश्वर सेवा ब्रीद पर चलता है। हमारे श्रृंखला के माध्यम से
रोज अनेक विवाह जुड़ रहे हैं। हम विवाह जुड़ने पर भी कोई सेवा शुल्क नहीं लेते, बस आपका साथ और आशीर्वाद बना रहे यही आशा करते हैं। जैसे कि आज के वीडियो के पहले आपने जो हमारा वीडियो पे उसके पहले जो पोस्टर देखा होगा, वही कन्या की जानकारी मैं आपको आज दे रहा हूं। आज के बायोडाटा की कन्या हैदराबाद शहर स्वर्णकार समाज से बिलोंग करती है। उनके पिताजी महाराष्ट्र मंगलूर गांव जो औरंगाबाद जिला में आता है वहां के हैं। वे व्यवसाय के लिए उनके पिताजी के साथ हैदराबाद में सेटल हुए थे। उनका वहां ज्वेलर्स का व्यापार था। बच्ची के पिताजी का स्वर्गवास हुआ है। बच्ची की माताजी महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर की है। उनका संपूर्ण परिवार मराठी है, वह सभी भाषा से अवगत है। मंगलूर औरंगाबाद में उनकी जमीन जायदाद आज भी है। वह मंगलूर के होने के नाते उनका सरनेम मंगलूर कर लिखते हैं, लेकिन बच्ची का सरनेम बूटे है। वह लाड सोनार है। बच्ची के पिताजी का देहांत हुआ, उसके बाद माताजी घर गृहस्थी संभालकर बच्चों के पढ़ाई पर ध्यान देती है। हम आपको जो बेटी का परिचय दे रहे हैं, उनकी जन्मतिथि 21/8/1990 है। बेटी का जन्म उनके मामा के यहाँ महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर में हुआ है। उनकी ऊंचाई 5 फुट 1 इंच है। लड़की का गोत्र वशिष्ठ है। माता और भाई, दो भाई वह हैदराबाद में निवास करते हैं। उनकी माताजी जैसे पहले ही बताया वह नांदेड़ शहर से महाराष्ट्र से है। और बेटी की पढ़ाई बीटेक कंप्यूटर हैदराबाद में हुई है। जिनकी आज मैं जानकारी दे रही हूँ वह हैदराबाद में बीटेक हुई है। उनका मास्टर इन कंप्यूटर साइंस कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हुआ है। और पढ़ाई के साथ साथ अमेरिका में वह आज सेटल होकर नौकरी कर रही है। वही वह एक कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर के पोस्ट पर जॉब करती है। और अमेरिका में वह महीने के 6 लाख रुपए पगार कमाती है। लड़की देखने में सुंदर है। एक भाई लड़की का इंजीनियर है, वह भी अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा है। वह भी अमेरिका में नौकरी करना चाहता है। तो दूसरा छोटा भाई हैदराबाद में जॉब करता है। दोनों भाई अविवाहित है और भविष्य में उनका माताजी और उनका परिवार बेटी के साथ साथ अमेरिका में ही सेटल होना चाहता है। आज हमारे लिए बहुत ही आनंद और खुशी की बात है कि हमारे समाज की बेटियां विदेशों में रहकर स्वर्णकार सोनी सोनार समाज का और हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। लड़की के परिवार की अपेक्षा है कि लड़की के लिए दामाद सिर्फ स्वर्णकार सोनार सोनी समाज का ही हो और लड़के का परिवार भी भले ही कोई भी राज्य का हो पर लड़का यूएसए में नौकरी करने वाला हो, लड़का लड़की के समकक्ष पढ़ा हो। सिर्फ अपेक्षा है लड़का सोनार चाहिए। जो लड़का यूएसए में रहता है और उसका परिवार भले ही हिंदुस्तान में रहता है और बच्चे के साथ विवाह जोड़ने के लिए वह इच्छुक है तो हमसे संपर्क करें। हम उनके माताजी और उनके परिवार से आपकी बात करा सकते हैं। हमारे समाज के बहुत से लड़के यूएसए में है और उनके माँ बाप भी चाहते हैं कि उन्हें भी बहू हिंदुस्तान की और स्वर्णकार समाज की हो।
और वह भी यूएसए में नौकरी करने वाली हो, उनके लिए मित्रों यह बहुत अच्छा मौका है। इस बेटी के परिवार के साथ संपर्क कर सकते हैं और विवाह की बात भी कर सकते हैं। आप मेरे यह नंबर पर संपर्क करें, मैं आपको इसका संपर्क नंबर दे दूंगा। और मेरी आज सभी स्वर्णकार बंधु जो भी यह वीडियो देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि आप कृपया यह लिंक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे सोनार समाज के लड़के कोई यूएसए में रहने वाले हैं जो भी, वहां तक यह लिंक पहुंचे ताकि उनको भी रिश्ता जोड़ने में और लड़की पसंद करने में मदद हो। हम चाहते हैं अमेरिका में भी अपने स्वर्णकार समाज का एक परिवार हो, जो संत नरहरि महाराज और अजमेर देव जी महाराज हमारे भगवान है उनके भक्त हो, इनका रिश्ता जुड़ जाए। आपको जो भी जानकारी चाहिए हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क करें, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और जो भी हमारे ग्रुप में ऐड होकर निशुल्क अन्य बच्चों के बायोडाटा देखना चाहते हैं वह भी हमसे संपर्क करें। आपको हमारी यह श्रृंखला कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं। और चैनल को मित्रों प्लीज सभी सब्सक्राइब करें, अपने रिश्तेदारों को दोस्तों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने को बोलें ताकि हमारी हर एक श्रृंखला के हर एक पार्ट सबसे पहले आप तक के पहुंचे। तो चलिए आज के लिए यही रुकते हैं और मिलते हैं अगले नए पार्ट में। तब तक के लिए जय नरहरि, जय अजमेर देवजी महाराज, जय श्री राम।